तो दोस्तों मैं पहुंच गया, वो लोग सामान उतर के लेके जा रहे हैं, यही है घर देखिए। तो दोस्तों मैं पहुंच गया जीएस रोड, आने के साथ साथ मैं पार्किंग का लाइन में रुका हुआ हूँ, पार्किंग में डाल दूंगा गाड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आने के साथ साथ मुझे पार्किंग में डालना पड़ा गाड़ी, तो अभी पार्किंग में रहेगा गाड़ी जितना टाइम तक कोई काम नहीं मिल जाता। अभी मैं जा रहा हूँ भैया का दुकान में जाकर बैठूँगा, क्योंकि यहाँ मैं अकेला अकेला बैठने के लिए आया, अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो चलिए दोस्तों अभी वेट करते हैं, तब तक मिलता है कोई काम भैया का दुकान में जाके बैठूँगा, जब काम मिलेगा सतो सदा के गाड़ी निकाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, कोई काम आएगा साथ। तो दोस्तों करीब एक घंटा बैठने के बाद में कॉल आ चुका है, मतलब भैया का दुकान में ही था, भैया का दुकान का ही सामान लेके जाना है जो सन केयर हॉस्पिटल जाने का रास्ता है उसका सामने आसपास में ही है घर। तो चलिए दोस्तों गाड़ी निकाल देते हैं, चलते भैया का दुकान में जाकर दिखाता हूँ मैं आपको, वही एप्पल सेट ही है बोले। चलिए तो मैं पहुंच गया भैया का दुकान का सामने, वो लोग लेके आ रहे हैं, ढालने के बाद मैं दिखाता हूँ मैं आपको। वही एप्पल का ही सेट है दोस्तों, शायद वाइट एप्पल होगा, ब्लैक एप्पल होगा, ढाल लेते हैं फिर दिखाते हैं दोस्तों। One eternity later. दोस्तों ये सामान, इसके अंदर कुछ और सामान है और ये है एक सेट। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अभी। मैं अभी फिलहाल गोल्फलिंग का रास्ता में, मुझे मोरो से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ भी जा सकता हूँ लेकिन यहाँ से थोड़ा लॉन्ग कट होता है, यहाँ से ट्रैफिक जब नहीं मिलता इसलिए हम लोग जब वो तरफ जाते हैं तो यहाँ से ही जाते हैं हमेशा। तो यहाँ में अभी मैं पहुँचने वाला हूँ मोरो में, ऑनलाइन मोरो, उसका आगे जाके पॉइंट है, उधर से मुझे राइट लेके घुसना होगा हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, उससे भी आगे है बोले, यहाँ पे रखना है सामान। चलिए दोस्तों निकलते हैं, रास्ता तो फिलहाल खाली है, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा आज, जब तक मुझे ब्लॉक नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम मिलने का चांस तो है नहीं, आने का टाइम मिलेगा वही पीपी पहुँचने का टाइम मिलेगा जीएस को। दोस्तों मैं पहुंच गया, वो लोग सामान उतर के लेके जा रहे हैं, यही है घर देखिए, आलीशान घर। तो फटाफट सामान उतर के निकल रहे दोस्तों। A little longer than a few minutes later. तो सामान उतरना हो गया कंप्लीट, तो देखिए गाड़ी खाली है। तो चलिए अभी निकलते हैं, जाते हैं स्टैंड पे, देखते हैं जाके और कोई काम होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी डायरेक्ट स्टैंड पे। दोस्तों मैं पहुंच गया जीएस रोड, आने के साथ साथ मैं पार्किंग का लाइन में रुका हुआ हूँ, पार्किंग में डाल दूंगा गाड़ी, डाल के रुकूंगा फिर से, देखता हूँ और कोई काम आता है कि नहीं। तो बैठते दोस्तों मिलते हैं, टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पूरा पूरी 2:05 हो रहा है अभी, देखते हैं सेकेंड काम कब तक होता है, वेट करते हैं दोस्तों। 2 hours later. तो दोस्तों पार्किंग में बैठते बैठते अंधेरा हो गया, नींद लग रहा है और ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ पे बैठूंगा, थोड़ा नींद लेता हूँ पार्किंग में बैठ के। टाइम हो रहा है 4:30, थोड़ा टाइम अभी और बैठना पड़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जल्दी चला जाऊंगा घर में, क्योंकि पार्किंग में रख के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, वही बात है, जितना टाइम रखूँगा उतना वो बिल उठते ही जाएगा, उठते ही जाएगा। तो
और थोड़ा टाइम देखता हूँ, जाके फिर बाहर में स्टैंड पे रखूँगा थोड़ा टाइम, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आपको मालूम ही है। तो वेट करते दोस्तों। 3000 years later. तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ घर में, पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दिया है। थोड़ा टाइम लग गया आने में क्योंकि ट्रैफिक जाम मिल गया था कुछ ज़्यादा ही, और आज सैटरडे है वही इसलिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।